द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज, परमाणु संख्या एल्यूमिनियम का 13 होता है, 14 होता है सिलिकॉन का जिसको Si से डिनोट करते हैं, 15 होता है फॉस्फोरस का जिसको P से डिनोट करते हैं, और 16 होता है सल्फर का जिसको S से डिनोट करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। इसमें एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये पी ब्लॉक होता है, और जो लैक्टिनाइड एक्टिनाइड सीरीज को हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश CJI दिलाता है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। शुक्र और शनि के बीच की दूरी क्या है? तो 108.2 मिलियन किलोमीटर है। और बृहस्पति, शुक्र और सन के, सूरज के बीच की दूरी 108.2 मिलियन है। अगर पूछा जाए कि बृहस्पति और शनि, सूर्य के बीच की दूरी 778.5 मिलियन किलोमीटर है। अगर पूछा जाए शनि और सूरज की दूरी तो 1.434 किलोमीटर, बिलियन किलोमीटर है। उसके बाद यूरेनस और सन की दूरी, यूरेनस और सन की दूरी 2.871 किलोमीटर है, बिलियन किलोमीटर है। नेपच्यून और सन की दूरी 4.495 बिलियन किलोमीटर है। MVEM JSUN मरकरी, सबसे पहले मरकरी, फिर वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सन वेन भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित संख्या कितनी हो सकती है? तो 543। और अगर पूछा जाए कि लोकसभा में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना है लोकसभा का, तो 552, लेकिन फिलहाल अभी 545 ही है दो यहाँ पे, और दो जो है दो नॉमिनेट करते हैं, राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं एंग्लो इंडियन को, और अभी जो चुनाव होता है वो 543 पे होता है और दो नॉमिनेट करते हैं राष्ट्रपति, और लेकिन इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 552 है। कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व है POK के लिए। आफ्टर द डिमिस ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद किन्हें पहली बार एक्टिंग प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था? तो गुलजारी लाल नंदा को। टेम्स नदी किस देश में स्थित है? तो UK में, इंग्लैंड में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कांस्य पशु आकृति सांड किस भाग में पाई जा गई थी? तो कालीबंगा में। कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन को स्वारित किया? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन, थायराइड से स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि थायराइड उत्तेजक हार्मोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रेट किया जाता है। ये तीनों के तीनों पिट्यूटरी ग्लैंड से ही निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो कॉल्ड द हाइपोफिसिस विच इज डक्टलेस ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम जिस सिक्रेट द हार्मोन डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम। पिट्यूटरी ग्रंथि को हाइपोफिसिस भी कहा जाता है, जो अंततः स्रावित तंत्र की डक्टलेस ग्रंथि यानी कि नालिका विहीन ग्रंथि है। यह हार्मोन को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट्स हार्मोन रेगुलेट अदर इंपॉर्टेंट इंडोक्राइन ग्लैंड इंक्लूडिंग द एंड्रिनल, थायराइड एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि इसके हार्मोन अधिवक्र, थायराइड और प्रजनन ग्रंथियों सहित अन्य महत्वपूर्ण अंतःस्रावित ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं। ड्यूस शब्दावली निम्नलिखित में से किसे, किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। एस बैक स्पिन, ब्रेक पॉइंट, क्रॉस कोर्ट, एरर, फुट फॉल्ट, ग्राउंड स्ट्रोक, किक सर्व, मून बॉल, स्मैश, टाई ब्रेक, अंडर स्पिन, वॉली। ये सारा का सारा टर्म जो है वो टेनिस टर्म से, इन टेनिस के टर्म से जुड़ा हुआ है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यूरी गैगेरिन। कौन सा सेना में उच्चतम रैंक होता है? तो फील्ड मार्शल जो होता है सबसे उच्चतम रैंक होता है। फील्ड मार्शल सेना का सबसे उच्चतम होता है। आर्मी में सबसे पहले होते हैं ल्यूटेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर ल्यूटेंट कर्नल, फिर कर्नल, फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर ल्यूटेंट जनरल, उसके बाद बनते हैं जनरल। फिर नेवी में होता है सब ल्यूटेंट, फिर ल्यूटेंट, फिर ल्यूटेंट कमांडर, फिर कमांडर, फिर कैप्टन, फिर कमोडोर, फिर रियर एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल, फिर एडमिरल।
उसी तरह से एयरफोर्स में होते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट ल्यूटेंट, स्क्वाडन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमोडोर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल। इट इज़ अ सेरेमोनियल ऑफ वार टाइम रैंक एंड फील्ड मार्शल्स एंड मैनिक सॉ एंड फील्ड मार्शल के एम करियप्पा हैव बीन ओनली टू ऑफिसर टू बी एलिवेटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल। यह एक औपचारिक या उद्धकालीन रैंक है जो और फील्ड मार्शल सैम मैनिक सॉ और फील्ड मार्शल के एम करियप्पा फील्ड मार्शल के पद पर दो पदों उन्नत होने वाले केवल दो अधिकारी हैं। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट ने किया था, अब विदाउट ऑप्शन। अब हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वान भट्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाती है? तो उस राज्य के गवर्नर जो होते हैं वो दिलाते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ। वसा में घुलनशील कौन है? तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो है वो है ए डी ई के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय जो है वो सतलज और ब्यास नदी पर बनाया गया है। यानी कि इंदिरा गांधी नहर की शुरुआत हरी के बैराज से होती है जो भारत के पंजाब राज्य में सतलज और ब्यास नदी के संगम के कुछ किलोमीटर नीचे है और राजस्थान राज्य में उत्तर पश्चिम थार रेगिस्तान में सिंचाई के सुविधा को समाप्त करती है। इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्टेड द हैरिक बैराज, हैरिक बैराज पर बनाया गया है, हैरिक में, हैरिक बैराज पर बनाया गया है हैरिक में, अ फ्यू किलोमीटर बिलो द कन्फ्लुएंस ऑफ द सतलज एंड बेस रिवर्स इन द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब एंड टर्मिनेट द इरीगेशन फैसिलिटी इन द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ राजस्थान स्टेट। PDS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो PDS का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अ गवर्नमेंट ओन्ड कॉरपोरेशन प्रोक्योर्स एंड मेंटेन्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS मेजर कॉमोडिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू PDS इंक्लूड स्टेपल फूड ग्रेन सच एज वीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ए फेयर प्राइस शॉप एज वेल एज द राशन शॉप। भारतीय खाद्य निगम सरकारी स्वामित्व वाली निगम सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की खाद और रख रखाव करता है। PDS के माध्यम से वितरित किए जाने वाले प्रमुख वस्तु के उचित मूल्य की दुकानों राशन की दुकानों पर रूप दुकानों के रूप में भी जाना जाता है। ये नेटवर्क के माध्यम से मुख्य खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल शामिल हैं। व्हाट वॉज द पेनफुल बोन डिजीज इटाई इटाई रिपोर्टेड फर्स्ट? सबसे पहले दर्दनाक हड्डी रोग इटाई इटाई कहाँ पर शुरू हुआ था? तो ये सबसे पहले जापान में शुरू हुआ था। इटाई इटाई इज द पेनफुल बोन डिजीज डेट इज काउज ड्यू टू द कैडमियम पॉइजनिंग। इटाई इटाई दर्दनाक हड्डी की बीमारी है जो कैडमियम विषात्मक के कारण होती है। यानी कि इसका मतलब यह है कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग होता है। अराउंड 1912 इन जापान अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैडमियम वॉज रिलीज इन द रिवर बाई द माइनिंग कंपनीज ऑफ टोयामा प्रीफेक्चर। द कंपोजिशन ऑफ द कंटामिनेटेड वाटर रिजल्टेड इन पेन इन स्पाइन एंड ज्वाइंट एंड ऑल्सो द किडनी मेल फंक्शन। जापान में 1912 के आसपास टोयामा प्रांत में खनन कंपनियों द्वारा बड़ी मात्रा में कैडमियम जारी किया गया था। दूषित पानी के सेवन से रीढ़ और जोड़ों में दर्द होता है और गुर्दों की खराबी भी हो जाती है। शिवाजी के धार्मिक गुरु रामदास जी थे। पश्चिम जर्मन सहयोग से भारत में 1965 में कौन सा स्टील प्लांट शुरू किया गया था? तो राउल किला स्टील प्लांट। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो तक्षशिला। अंतरिक्ष अनुसंधान में किस शैवाल का उपयोग किया जाता है?
उसका नाम है कोलेरा वेलगेरियस। कोलेरा इज अ फ्रेश वाटर एल्गी डेट इज कॉमनली सप्लीमेंटेड बाय वेगन पॉपुलेशन सिमिलर टू स्पिरुलिनिया लीना। कोलेरा अपीयर्स टू बी बायो अवेलेबल सोर्स ऑफ बोथ आयरन एंड विटामिन B12 एंड मे हैव अदर बेनिफिट्स। कोलेरा एक मीठे पानी की शैवाल है जो आमतौर पर शाकाहारी आबादी रिपरुलिना में के समान द्वारा पूरक है। कोलेरा आयरन और विटामिन बी दोनों का जैव अनुपलब्ध स्रोत प्रतीत होता है और इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं।